नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट पे विश्लेषण। जी हाँ, जब भी देश में बजट पेश की जाती है तो सभी की ध्यान बजट पे होती है कि किन चीजों पे दाम बढ़े हैं, किन चीजों के दाम कम हुए हैं और उनके एक सामान्य जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है। खास करके जो देश के आईटीआर फील करते हैं, टैक्स पेयर है, उनका भी ध्यान बजट पे होता है कि किस तरीके से किन चीजों पे कितनी टैक्स लगने वाली है, कितने इनकम पे कितनी टैक्स लगेगी, इन सभी चीजों पे एक ध्यान होता है और जिसका विश्लेषण लेकर के हम सभी आप तक आए हैं। तो आज हम बात करेंगे बजट को लेकर उन चीजों का जिसके लिए आम जनता की सारी निगाहें टिकी हुई है। तो आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस बजट सत्र में क्या क्या पूरा हुआ, शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरी जानकारी देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो सबसे पहले आपको इस बजट में क्या कौन सी चीजें सस्ती हुई है और कौन सी चीजें महंगी हुई है, इस पूरी खबर को बताएंगी हमारी सहयोगिता जिगीशा। तो जिगीशा शुरू कीजिए। आइए जानते हैं क्या हुआ है सस्ता और क्या हुआ है महंगा। सस्ता, जिसमें आते हैं खिलौने, साइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मोबाइल फोन, LED कैमरा लेंस, लिथियम आयन बैटरी, लैब ग्रोन डायमंड। अब बात करते हैं महंगी की, जिसमें आते हैं इम्पोर्टेड लग्जरी कार, कंपाउंडेड रबर, सिगरेट, कपड़े, सोना, चांदी, हीरे और इम्पोर्टेड किचन चिमनी। तो ये रही वो चीज़ें जो सस्ती हुई है और जो महंगी हुई है। अब बात करते हैं बजट से जुड़ी और चीज़ों को जिसके बारे में हमें बताएंगे वीर जी। तो वीर जी शुरुआत करते हैं। बजट की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, जैसे समावेशी विकास, अंतिम मील के बुनियादी ढांचे तक पहुँचना और संभावित हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र को उजागर करने वाला निवेश। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनके कौशल को उन्नत करने और जन केंद्रित दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता के जीवंत संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। भौगोलिक भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता के सुविधा के लिए बच्चों को, किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की, मतलब वीर जी कहा जा सकता है कि इस बार जो बजट सत्र रहा उसमें युवाओं के लिए काफी कुछ नियति बनाई गई है, उनके बारे में काफी कुछ सोचा गया है। जी, अस्थाई सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने की पानी के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया जाएगा। सहयोगी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे कई डोमेन में आवश्यक सरकारी सेवाओं के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करने वाला आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया। पूंजी निवेश उल्लू को लगातार तीसरे वर्ष के लिए 83% से 10 लाख करोड़ तक बढ़ाया जा रहा है, जो कि 337 होगा। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि और कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई है। तब तक के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। शिवशंकर आयुर्वेद के साथ 77 वर्षों से आयुर्वेदिक तथा जड़ी बूटियों की सेवा में अग्रसर। मध्य नागपुर के सबसे बड़े आयुर्वेदिक एवं जड़ी बूटी के भव्य शोरूम में अब आपको मिलेगा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयाँ। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध हैं।
साथ ही अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टरों द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार यहाँ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी आए शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। हमारा पता, योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला कीतकर हॉस्पिटल के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। संपर्क करें 07122567747 और 9764366688। शिव शंकर आयुर्वेद सबसे अनुभवी और विश्वसनीय। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम आपको बता रहे हैं बजट की विशेषताएं और इस पर विश्लेषण दे रहे हैं। अभी तक जो जानकारी हमने दिया उसके बाद इस बजट में और कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में हमारे सहयोगी से जानेंगे। तो जी हाँ, अब तक हमने जाना कि इस सत्र में किन किन चीज़ों को महंगी हुई है, किन किन चीज़ों को विशेष ख्याल रखा गया है। तो अब जानते हैं कि इस पूरे सत्र में कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं रही। तो सबसे पहले 2014 से सरकार के प्रयासों ने देश के नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की है। वहीं बात करें ईंधन की, कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद के लिए हरित विकास का प्रयास, हरित रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। वहीं बात करें COVID-19 महामारी की, तो COVID-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व स्तर पर जो भारी मंदी के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रहा है। वहीं केंद्र सरकार का आर्थिक एजेंडा अफसरों को सुविधाजनक बनाने, रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित रखा गया है। वहीं बात की जाए किशोरों की, तो सरकार बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करेगी और गुणवत्ता पूर्ण पुस्तकों की सुविधा के लिए स्थापित की जाएगी। अब पशुपालन, जो कि देश में एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो पशुपालन दायरे और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। वहीं अगले 3 वर्षों की बात करें, तो अगले 3 वर्षों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों की 38,800 शिक्षकों, सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। वहीं महिलाएं, जो इस पर इस बजट में खास तौर पर ध्यान दिया गया है, तो महिलाओं के लिए लघु बचत योजना की घोषणा की गई है और मार्च 2025 तक 2 वर्ष के लिए महिला बचत प्रमाण पत्र भी किया जाएगा। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। वहीं बात की जाए पीएम आवास योजना की, तो पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% तक बढ़ाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। जोखिम आधारित प्रणाली अपान कर KYC प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। वहीं भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP के 5.9% पर निर्धारित किया है। वहीं चालू वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 कर दिया गया है। वहीं पूंजीगत व्यय परिव्यय को 33% तक बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। वहीं 2022 में किए गए परिव्यय का यह लगभग 3 गुना है। वहीं सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया है। वहीं 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा। और एक राहत की बात है कि अब 3 लाख रुपए दर की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं 3 से 6 लाख रुपए पर 5% तो वहीं अब इनकम टैक्स से जुड़े और भी जो विशेष तज्ञ है उन पर और भी चर्चा करेंगे। तो आइए हमारी प्रतिनिधि से जानते हैं। देश में नई कर व्यवस्था का ऐलान, अब 7 लाख इनकम देने वालों को नहीं देना होगा टैक्स, अब ऐसा रहेगा स्लैब। 3 से 6 लाख वालों को देना पड़ेगा 5%, 6 से 9 लाख वालों को देना पड़ेगा 10%, वही 9 से 12 लाख वालों को देना पड़ेगा 15%, 12 से 15 लाख वालों को देनी पड़ेगी 20%, 15 से ऊपर वालों को देना पड़ेगा 30% टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस सप्तऋषि बजट की 7 प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया। समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचों का विकास, क्षमता, हरित विकास,
युवा शक्ति और वित्त क्षेत्र। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार के नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं इस पूरे बजट के समावेश पर कुछ मुख्य प्रमुख बिंदुओं पर। तो सरकार प्रधानमंत्री कौशल्य लॉन्च करेगी, वही विकास योजना 4.0 नई व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। वहीं युवाओं के लिए DBT योजना 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए। वहीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिशुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। वहीं नई मिष्टी योजना की घोषणा की गई। नई योजना के तहत सरकार समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करेगी। वहीं महिलाओं के लिए नई लघु बचत योजना की घोषणा की गई है। वहीं मार्च 2025 तक 2 साल के लिए महिला बचत प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। तो इस साल बजट 2023 के मुख्य बिंदु हर एक पहलू पर हमने चर्चा की, हमने अनेक अनेक पहलुओं को उजागर किया, आपके सामने आपको समझाने की कोशिश की। तो आज के इस स्पेशल बजट रिपोर्ट में बस इतना ही। BCN के साथ आप देखते रहें, मैं वीर सिंह, मैं अक्सा अंसारी, मैं जिगीशा बुंदेले, और रोजाना देखते रहिए इन BCN न्यूज़।